अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। टेक टीचर्स चैनल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आपने टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, तो एक ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हमारा। जिस तरह के आप जानते हैं कि ईबे की हमारी पूरी एक सीरीज़ चल रही है, पूरी एक हमने आपके सामने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, और उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ हैं जिसमें काफ़ी लोग जो है वो हमसे पूछते रहते हैं कि सर ईबे के हवाले से कैसे हम सेलिंग करें। और मैं आपको ईबे के हवाले से बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी जो है मैं आपसे कुछ इसी तरीके की एक एक्सटेंशन शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ एक प्लेटफॉर्म पे रहते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पे उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके आप जानते हैं, मुझे भी मालूम है, और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से वो मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। तो बिना टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट किए हुए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन पर जो है आपको मैं दिखाऊँगा कि वो कौन सी एक्सटेंशन है कि जिसको आप यूज़ करेंगे। जिस तरह मैंने पहले भी एक एक्सटेंशन के बारे में बताया था जो कि अमेज़ॉन की जो कीवर्ड्स होते हैं उसको एक्सपेंड कर देती है, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स उससे मिल जाते हैं और इजीली आपको आसानी होती है सर्चिंग करने के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेबसाइट एक जो प्लगइन है हमारे पास, या आप इसको एक्सटेंशन कह लें, तो इससे क्या होगा कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रह के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन के ऊपर आप हैं, तो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट के नीचे ही दो सजेशन आपके सामने आएंगे, एक ईबे के हवाले से कि यही प्रोडक्ट आप ईबे पे देख सकते हैं और यही प्रोडक्ट आप वॉलमार्ट पे देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी एक्सटेंशन है जो कि एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन एक्सटेंशन है जो कि आपको मुझे बताना लाजमी है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको पहले ज़रा बता देता हूँ। ओके, तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको वो एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और सबसे पहले जो है मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर नॉर्मली आप जब होते हैं तो नॉर्मली जो है आपको क्या आपके पास आ रहा होता है। ठीक है, तो एक ज़रा हम इसकी पहले लोकेशन चेंज कर देते हैं। लाइक आप ये देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक प्रोडक्ट मैं यहाँ से उठा लेता हूँ लाइक दिस। अगर मैं ये प्रोडक्ट उठा लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी अभी शो नहीं हो रहा जो कि शो होना चाहिए था। और जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था वो चीज़ अब कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप चलें यहाँ से एक्सटेंशंस के ऊपर, क्रोम में आ जाएँ, एक्सटेंशंस में आ जाएँ। अच्छा, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट एक्सटेंशन में भी जा सकते हैं और इस एक्सटेंशन को डायरेक्ट आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसले वाली बात नहीं है उसमें। तो एक्सटेंशन पे चलते हैं, एक्सटेंशन से आप यहाँ पे आ जाएं क्रोम के वेब स्टोर के अंदर। वेब स्टोर के अंदर आने के बाद आप जो है वो यहाँ पर सर्च करेंगे, इधर आपने सर्च करना है ग्रैबले। ठीक है, इस एक्सटेंशन का नाम है ग्रैबले। और जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे अपने पास तो आप उसके रिज़ल्ट देखिएगा आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। ये वो एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लें अपने पास, ऐड टू क्रोम कर लें, ऐड एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ से अब हम वापस अपने अमेज़ॉन के ऊपर आते हैं और इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो ये मुझे ये देखें आ गया, इसका SN नंबर आ गया, इसका ये कहाँ कौन से रैंक के ऊपर है, 402 इसका रैंक है। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट के अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आपने मालूम करनी है। तो अच्छा, ये FBA हो रहा है, प्रोडक्ट FBA है या FBM है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। अब मैं ईबे के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक और विंडो खुल जाएगी जो कि ईबे पे ये प्रोडक्ट निकाल देगी, और एक वॉलमार्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये वॉलमार्ट पे भी मुझे एक क्लिक करके दिखाएगा। ये देखें, यही प्रोडक्ट मुझे ईबे के ऊपर भी नज़र आ गया। अब थोड़ी बहुत तो डिफरेंस आई थिंक होगी इसमें। ये अभी हमें मिल रहा है 28 समथिंग का,
और ये डबल है और ये सिंगल है यहाँ पे लाइट, तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपके पास यहाँ पे मिलते हैं आपको, ठीक है। इसी तरह वॉलमार्ट पे जब हम इसको सर्च करेंगे तो वॉलमार्ट पे तो बहुत ज़्यादा जो है हमें ये मिल रहा है, और ये देख सकते हैं आप $83, और प्राइस डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं 50, और ये आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट पे चले जाएँ, कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लें, उस प्रोडक्ट के नीचे उसकी डिटेल जो है आप जब सर्च करेंगे तो उसके नीचे जो है आपको ईज़िली वो प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी कि यही प्रोडक्ट आपने ईबे पे सर्च करना है या वॉलमार्ट पे सर्च करना है। देखिए नंबर वन प्रोडक्ट है ये क्लोथिंग के अंदर, इसकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन एसएन वगैरह सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इनको बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ईबे पे वन क्लिक में हमारे पास आ गया, ठीक है, ये ऐसा प्रोडक्ट है। अच्छा वॉलमार्ट के लिए वॉलमार्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ये देख यही प्रोडक्ट अगर हमें वॉलमार्ट पर ढूंढना हो तो हम वॉलमार्ट पे भी इसको ढूंढ सकते हैं सिर्फ वन क्लिक के अंदर। अब आपने पूरा टाइटल कॉपी नहीं करना, आपने पेस्ट नहीं करना, वॉलमार्ट पे नहीं जाना, डायरेक्ट बस आपने एक क्लिक करना है और आप जो है उसके पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और यही सेलर देखें, क्रॉक्स के नाम से सेलर है, और यही सेलर वॉलमार्ट पे भी सेलिंग कर रहा है $81 में, और अमेजोन पे ये सेलिंग कर रहा है, अमेज़ॉन पे इसके प्राइस नहीं आ रहे अभी क्योंकि आई डोंट नो ये डिलीवर नहीं कर रहा शायद मे बी। तो यही है क्रॉक्स लोग जो हैं, खैर जस्ट इन केस ये प्रोडक्ट है, बस मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि असल मकसद जो है वो आपको एक्सटेंशन दिखाने का मेरा मकसद है। एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि एक्सटेंशन से मुझे ये पता चल रहा है, ये आसानी हो रही है कि यार ये प्रोडक्ट मैं दूसरी जगहों पर कैसे ढूँढ सकता हूँ, कितनी आसानी से मुझे मिल जाएगा, तो मुझे मेरा जो टाइम है वो बच जाएगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मतलब ईजिली मुझे। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लिक करते हैं और उस पर ये एक्सटेंशन सही से काम नहीं करती है, हमें वही एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिल रही होती, ठीक है ना। तो आप कोशिश ये करें कि उसको टाइटल को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर दें तो वो फिर से उसके अंदर वो चीज़ आपके पास आना शुरू हो जाएगी। लाइक दिस ये वो बॉटल आ गई 39 समथिंग की है, 40 कर लें इसको। अब ये ईबे आ गया और ये वॉलमार्ट, देखते हैं दोनों पे कितने तक की ये चल रही है, ठीक है 40 की है, बट सेम एग्जैक्ट नहीं मिल रही, बट समथिंग लाइक दैट काम चल जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 की है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज हैं। तो इस तरीके से, अच्छा मेरा मकसद अभी यहाँ पे आपको एक्सटेंशन ही दिखाना था, ग्रैबली की जो एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग अगर प्रोडक्ट हंटिंग करने वाले हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करना जानते हैं, तो आप लोगों को ये एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और इसको अपने पास ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट ये है कि आप लोगों को बताने के लिए, जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये एक्सटेंशन को डिस्कवर करा था। आप काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा इसके बारे में, तो मुझे ये बहुत कन्वीनियंट टूल लगा जो, और फ्री में भी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियोज़ को इसी तरह वॉच करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल टेक टीचर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।